ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 14, प्रवचन 4, भगवत प्रेम की महिमा अनंत है, पार्ट 2। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, हमारे परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का रचित एक छंद है प्रेम के संबंध में। उसमें दूध और पानी की प्रीति दिखाई गई है। रामायण में भी एक श्लोक आता है, पानी जब दूध में डाला जाता है तब दूध उसे अपना रूप दे देता है। फिर जैसा भाव यानी मूल्य दूध का होता है, वैसा पानी का भी हो जाता है। जब पानी दूध में मिलता है तो दूध उसे अपना रूप दे देता है। ये है दूध का त्याग। अब जब दूध को अग्नि पर गर्म करने के लिए रखते हैं तो दूध में जो पानी होता है वो दूध को जलने नहीं देता, स्वयं जलने लगता है, जिस कारण पानी धीरे धीरे कम होता जाता है। जब पानी पूरी तरह जल जाता है तब दूध उभरने लगता है। पानी कहता है कि दूध ने मुझे अपना रूप दिया है तो मुझे भी कुर्बानी देनी चाहिए, इसलिए वो जब तक रहता है दूध को जलने नहीं देता। ये है पानी का त्याग। जब पानी जल जाता है तो दूध उभरने लगता है। संत महात्मा इसका भाव ये बताते हैं कि पानी के जलने से दूध को क्रोध आता है और वो अग्नि को, जिसने उसके मित्र पानी को जलाया, बुझाने के लिए उभरने लगता है। और इतने में मालिक को ख्याल आता है कि दूध उभरने लगा है, तो वो दूध में कुछ पानी डाल देता है और दूध अपने मित्र पानी से मिलकर खुश हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा, हम भी ईश्वर की संतान हैं, जैसे भगवान प्रेम स्वरूप हैं वैसे हम भी प्रेमी भक्त बने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।